बोसवार तुलमोंद, वेरी गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो इन द चैट. हाउ वॉज योर पेपर? परम स्वयं. ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग. वी आर डूइंग पेज नंबर 16, डायरेक्शंस. पेज नंबर 16 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शंस. वी आर डूइंग दैट. सो देर आर थ्री डायरेक्शंस गिवन विद द साइन. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट. यू गो स्ट्रेट. सो व्हेन यू वांट टू गो स्ट्रेट, यू वांट टू यू यू कैन से तू ध्रुवात. आले तू ध्रुवात. तू ध्रुवात इज टू गो स्ट्रेट. तू ध्रुवात to go straight. When you want to say to the left, you say agosh. Agosh is to the left. Agosh to the left. Adruat to the right. You can write down agosh ka opposite adruat. To the left ka opposite to the right. To the left ka opposite to the right. You can use a chat if you want to ask any questions. Okay, children. If you finish writing, you can let me know. Done. So there are three things. First is to druat straight. Write down with pencil. To druat straight. Agosh to the left. Adruat to the right. Agosh ka opposite. Adruat. So in case they ask, do you know the word for opposite, class? Let me know in the chat. Do you know what is the word for opposite in French? बताओ बताओ. एनीवन? नो? ओके, आई विल पुट इन द चैट. यू कैन राइट डाउन इन द नोटबुक. निकांद्रो? ओके, दैट्स नॉट एग्जैक्टली इट. यस, वेरी गुड आयुषी. So when you ask about, when you talk opposites, it's le contraire. I have put in the chat. Please note down. Le contraire is opposite. So if they ask what is the contraire of agosh, you have to write adruat. Contraire is opposite. Le contraire, opposites. Le contraire, opposites. Please note down. And remember, opposites is le contraire. नहीं तो आपको ऑपोजिट आता भी होगा तो आपको समझेगा नहीं वो लोग ऑपोजिट पूछ रहे हैं. यू शुड नो द वर्ड ले कॉन्ट्रेर, मतलब ऑपोजिट पूछ रहे हैं. ले कॉन्ट्रेर ऑपोजिट. मानसी सीम्स टू हैव इंटरनेट प्रॉब्लम. ओके, आई थिंक मानसी इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम विच इज वाई You are logging in and logging out, right? आपका लॉग आउट हो जा रहा है. यस. सो मानसी, यस, आई डोंट माइंड इफ यू लीव वेन एवर यू कांट हियर मी, बट रिमेंबर टू रीजॉइन. ओके, सिंस यू हैव कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, यू मे लीव वेन यू कांट हियर मी एंड देन रिमेंबर टू जॉइन बैक. इन केस यू स्टिल फेस टू मेनी प्रॉब्लम एंड यू मिस आउट ऑन एनीथिंग, देन रिमेंबर आई एम रिकॉर्डिंग दिस. So you can always go back and listen to the recording. Okay, Ayushi. Chalo, let's get back then. Now I am starting with definite articles. Directions ke niche, ekdam niche definite articles diya hai. Okay. So now definite articles start kare. Usse pehle aapko indefinite articles yaad hai kya? Mujhe batao. What are indefinite articles in the chat? Come on, shoot. What are indefinite articles? वेरी गुड परम. परम का तो अभी अभी एग्जाम हुआ है तो परम को याद है. आई वॉन्ट अदर्स टू आंसर. परम, सिद्धाली, स्वयं, मुक्षा, ये सबका तो अभी अभी एग्जाम हुआ है, सबका पढ़ के हो गया है. वेरी गुड निशिता. निशिता रिमेम्बर्स. अदर्स, वॉट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, प्लीज लेट मी नो.
आर्या वेरी गुड, स्वयं वेरी गुड, निकांद्रो, बट यू हैव टू नेम व्हाट आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. वेरी गुड एम्बरलीन. सो बेसिकली आई एम पुटिंग इन द चैट, रिमेम्बर. अ युंदे आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. अ युंदे, डज एनी वन नो वॉट वॉट डू दीज वर्ड्स मीन? अ एंड युन का मीनिंग क्या है? अ एंड युन का मीनिंग क्या है? अ और एन. वेरी गुड हिमानी. अ और युन का मीनिंग है अ और एन. एंड दे का मीनिंग क्या है? दे सम. वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब सबको याद है. अ इज यूज फॉर वॉट? नंबर एंड जेंडर बोलो, सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन. क्या अ इज यूज फॉर? मैस्कुलिन सिंगुलर. सिंगुलर भी इंपॉर्टेंट है. एम एस, एम एस इज मैस्कुलिन सिंगुलर. एम एस धोनी नहीं है, एम एस इज मैस्कुलिन सिंगुलर. महेंद्र सिंह नहीं, मैस्कुलिन सिंगुलर. एम एस इज मैस्कुलिन सिंगुलर. यून इज यूज फॉर वॉट? नंबर एंड जेंडर बोलो. यून इज यूज फॉर, वेरी गुड, फेमिनिन सिंगुलर. वेरी वेरी गुड, फेमिनिन सिंगुलर. एंड डी एस इज यूज फॉर? डी एस इज यूज फॉर, वेरी गुड, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का प्लूरल, सबका प्लूरल डी एस. ओके, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का भी प्लूरल डी एस. तो सिमिलरली जैसे अपने को डेफिनाइट आर्टिकल्स था, अभी वी आर गोइंग टू गो अहेड विद डेफिनाइट आर्टिकल्स. डेफिनाइट आर्टिकल्स, अ डेफिनाइट आर्टिकल स्पेसिफाइज अ नाउन. ओके, सो व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन, फॉर एग्जांपल आई से आई हैव अ पेंसिल व्हिच इज येलो इन कलर. ओके, देन आई से स्वयं गिव मी द पेंसिल. सो नाउ एक बार मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया कि मेरे पास पेंसिल है जो येलो कलर का है. देन आई से स्वयं गिव मी द पेंसिल. द मतलब वो स्पेसिफिक पेंसिल जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है. कौन सा वाला? येलो कलर वाला. ओके, गिव मी द येलो कलर्ड पेंसिल. तो व्हेन आई से द पेंसिल, मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है. यू नो सम डिटेल अबाउट इट, यू हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले बात हो चुका है. सो व्हेन यू नो, व्हेन यू हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, देन दैट इज व्हेन यू यूज द. ओके, नाउ व्हेन आई से देर इज अ बॉय इन द क्लास, अ, तो हमको मालूम नहीं कौन सा बॉय है, इट कुड बी एनी बडी. बट व्हेन आई से देर इज द बॉय इन द क्लास हु इज वेरी नॉटी, ओके, तो द बॉय मतलब मेरे को मालूम है आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी जिसके बारे में सबको पता है. ओके, एवरीबडी नोज हु इज द नॉटी वन. तो व्हेन आई से द बॉय, इट मींस इट इज क्लियर, उसके बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन है. लेट्स से आपको मालूम है स्वयं इज नॉटी, तो व्हेन आई से द बॉय देन यू विल ऑटोमेटिकली थिंक अबाउट स्वयं. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट? नाउ डेफिनाइट इज यूज वेन यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम पर्टिक्युलर थिंग, जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसका कुछ डिटेल्स आपको मालूम है. क्लियर? सो अगेन आई रीड वॉट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. अ डेफिनाइट आर्टिकल स्पेसिफाइज अ नाउन, एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करता है. इट अग्रीज इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन, जस्ट लाइक इन डेफिनाइट आर्टिकल, ये भी नंबर एंड जेंडर इसका भी है. इट कैन ऑल्सो भी यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, है ना, बराबर, मैंने अभी अभी बताया, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है पहले, जिसके बारे में डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है पहले से. सो इट इज यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है. फॉर एग्जाम्पल नाउ सी वॉसी दे लिवर, हियर आर सम बुक्स, सम बुक्स मालूम नहीं कौन सा बुक्स, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स डीईएस, है ना, डी एस मतलब वी डोंट हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस सी सॉ ले लिवर द रूचा, दीज आर द बुक्स ऑफ रूचा, मतलब अभी द यूज किया तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, किसका बुक है, रूचा का, मतलब वी हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक्स, दैट इज वाई इट इज द बुक्स. गेटिंग मी? हियर आर सम बुक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. These are some books. These are the books of Rucha. We cannot say these are some books of Rucha. These are the books of Rucha. So, ye the books refers to Rucha's books. We have some information about it. Clear? Now, what are definite articles? Let's see. Definite articles. सबसे पहले masculine singular noun के लिए हम ल यूज करते हैं. L E. Okay? L E is ल.
एल ई इज ले नहीं बोलना उसको, ल बोलना, ल एल ई इज ल. ओके लेट मी सी, मानसी इज योर अगेन. यस सो लेट्स गेट बैक. ल एल ई ल, ले नहीं बोलने का, एल ई इज ल. ओके आई रिपीट, एल ई इज ल. एल ई इज यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन. एग्जाम्पल ल सीलो. ओके ल सीलो. अभी बाजू में दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एल अपोस्ट्रॉफ आमी. क्यों एल अपोस्ट्रॉफ है? अभी इस बार वॉवल्स क्लैश हो रहा है. अगर मैंने एल ई लिखा होता एंड आमी लिखा होता, ओके एल ई एंड आमी ऐसे साथ में लिखा, तो ई इज क्लैशिंग विथ ए. चार्ट में देखो, ई इज क्लैशिंग विथ ए बराबर. नाउ बिकॉज दीज वर्ड्स आर क्लैशिंग, टू अवॉइड दिस क्लैश एल ई बिकम्स एल अपोस्ट्रॉफ. जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में जे ई वॉज बिकमिंग जे अपोस्ट्रॉफ, याद है? वॉवल्स क्लैश हुआ तो जे ई बिकम्स जे अपोस्ट्रॉफ. वैसे ही इधर यहाँ पे भी सेम चीज, वॉवल्स क्लैश है इसीलिए एल ई बिकम्स एल अपोस्ट्रॉफ. तो रिमेम्बर, मैस्कुलिन सिंगुलर डेफिनाइट आर्टिकल क्या है? एल ई. पर वोवल क्लैश हुआ तो एल ई विल चेंज टू एल अपोस्ट्रॉफ. ओके मैस्कुलिन सिंगुलर क्या है? डेफिनाइट आर्टिकल एल ई. वोवल क्लैश हुआ तो एल ई चेंजेस टू एल अपोस्ट्रॉफ. एल ई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ल. एल ई इज ल, नॉट ले. हाँ क्लास, रिमेम्बर लिख दो वहां पे ल. देन फेमिनिन, फेमिनिन इज ला, एल ए ला. ओके फेमिनिन इज ला. एग्जाम्पल ला टाबल, द टेबल. ला टाबल, ला क्यों लिखा? टेबल फेमिनिन है. ओके सेम सेम बाजू में एग्जाम्पल दिया है, अगेन आमी. ओके नाउ अगेन ल, नहीं ला एंड आमी ऐसा लिखा. ला एंड आमी का ए एंड ए क्लैश हो रहा है. इन द चैट आई हैव फुट चेक, बराबर वॉवल्स क्लैश हो रहा है ए एंड ए. टू अवॉइड दिस क्लैश व्हाट वी डू, चेंज ला टू. टेल मी नाउ अभी क्या करेंगे? उधर भी किया था मैस्कुलिन में. वेरी गुड हिमानी. सो वॉवल्स क्लैश हुआ तो यहाँ पे भी ला विल चेंज टू एल अपोस्ट्रॉफ. आयुषी एल अपोस्ट्रॉफ. हाँ एल एस नहीं होता, एल एस कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा. आप स्पेनिश ठीक बोल रहे हो लगता है. सो रिमेम्बर ला विल चेंज टू एल अपोस्ट्रॉफ इन केस ऑफ वोवल क्लैश. मैस्कुलिन सिंगुलर डेफिनेट आर्टिकल क्या है? ल. वोवल क्लैश हुआ तो ल विल चेंज टू एल अपोस्ट्रॉफ. फेमिनिन सिंगुलर ला. वोवल क्लैश हुआ तो ला चेंजेस टू एल अपोस्ट्रॉफ. क्लियर? नाउ क्लास टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आमी रिटन अबव एंड आमी रिटन बिलो. ऊपर वाला मैस्कुलिन है वो कैसे समझेगा, नीचे वाला फेमिनिन है वो कैसे समझेगा आमी? व्हाट इज द डिफरेंस देयर? वेरी गुड परम. अदर्स, व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे पता चला कौन सा आमी मैस्कुलिन है कौन सा आमी फेमिनिन है? वेरी गुड. द फेमिनिन वाला आमी हैज एन एक्स्ट्रा ई एट द एंड. चेक करो, ए एम आई मैस्कुलिन, ए एम आई ई फेमिनिन. तो लास्ट में ई है एक्स्ट्रा, देखो फेमिनिन वाला आमी में. समझा सबको व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ विल यू नो कौन सा मैस्कुलिन कौन सा फेमिनिन? यस देयर इज एन एक्स्ट्रा ई. क्लियर? बोथ द वर्ड्स मीन व्हाट? आमी एंड आमी दोनों का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आमी? फ्रेंड. वेरी गुड. आमी मतलब फ्रेंड. ओनली द डिफरेंस इज ऊपर वाला आमी इज अ बॉय, नीचे वाला आमी इज अ गर्ल. ओके मैस्कुलिन वाला ए एम आई इज अ बॉय, ए एम आई ई फेमिनिन वाला गर्ल. क्लियर? सो आई रिपीट नाउ, डेफिनाइट आर्टिकल मैस्कुलिन सिंगुलर ल, वोवल क्लैश हुआ तो एल अपोस्ट्रॉफ. डेफिनाइट आर्टिकल फेमिनिन सिंगुलर ला, वोवल क्लैश हुआ तो एल अपोस्ट्रॉफ. अभी यहाँ पे भी सेम, सबसे इजी पता है, प्लूरल में एल ई एस, कुछ झंझट ही नहीं है. मैस्कुलिन हो कि फेमिनिन हो कोई टेंशन नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का प्लूरल एल ई एस. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का भी प्लूरल एल ई एस. मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का भी प्लूरल एल ई एस. ओके इसलिए ले सीलो ले जामी, ले टाबलो ले जामी. मैस्कुलिन हुआ फेमिनिन हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लूरल है. देखो सीलो विथ एस तो एल ई एस लिख दिया, आमी विथ एस है एग्जाम्पल में एल ई एस लिख दिया, टाबलो विथ एस है तो एल ई एस लिख दिया.
आमी विथ ई एस फेमिनिन प्लूरल है तो भी एलियस लिख दिया डेफिनाइट आर्टिकल का. क्लियर? इज एवरीवन क्लियर विथ डेफिनाइट आर्टिकल? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ल ला एल अपोस्ट्रोफ एलियस? ये सबका मीनिंग क्या है? ल ला, वेरी गुड परम, वेरी गुड निशिता. सबका मीनिंग है, ऑल द फोर वर्ड्स, ल एल ई ल एल ए ला एल अपोस्ट्रोफ एंड एलियस, चारों भी वर्ड्स है, चारों वर्ड्स का मीनिंग ध है, ध टी एच ई, ऑल द फोर वर्ड्स मीन ध. कौन सा ध कभी यूज करने का कैसा पता चलेगा? नंबर एंड जेंडर. सो इफ आई से दिस, चलो आई होप यू नो दिस वर्ड, मैंने चैट में डाला है, इसका मीनिंग बताओ मुझे. गार्सों, गार्सों मतलब क्या? बॉय, वेरी गुड, परफेक्ट बॉय, एक ही बॉय, हिमानी बॉय, गार्सों एस नहीं लगाया मैंने, इट्स ओनली वन बॉय, है ना. सो नाउ टेल मी व्हाट डेफिनाइट आर्टिकल विल यू यूज फॉर दिस. ये चार डेफिनाइट आर्टिकल एल ई एल ए एल अपोस्ट्रोफ के एल ई एस, ये चारों में से क्या यूज करेंगे फॉर गार्सों? वेरी वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड एम्बेली, निकांद्रो, हिमानी, निशिता, परम, ईशान, आर्या, स्वयं, मानसी, बॉय है ना, बॉय मैस्कुलिन सिंगुलर, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ मानसी, निकांद्रो करेक्ट, मानसी करेक्ट, आयुषी एल अपोस्ट्रोफ नाइग, वॉवल्स आर नॉट क्लैशिंग, गार्सों जी से स्टार्ट होता है, वॉवल क्लैश नहीं होता है, तो हम एल ई लिखेंगे. ओके आयुषी, वी विल यूज एल ई, ल बॉय नहीं मानसी, ल गार्सों. आई थिंक मानसी इज गोइंग आउट एंड कमिंग इन बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, दैट इज वाई शी इज मिसिंग आउट ऑन द वर्ड्स. Okay, so everyone clear why to use LE? Now I give a different one. Now I give a different word. Okay. P. P मतलब क्या बताओ मुझे? Let me know what do you mean by fee? F I L L E. P मंजे. P नू मतलब सूचे. सी इज गर्ल, वेरी गुड मानसी, आर्या, परम, एम्बरलिन, रमनदीप, निशिता, बंसी, निकांद्रो, आयुषी, फी इज गर्ल, हाँ गर्ल. वुमन के लिए फार्म है, एफ ई एम एम ई, प्योर, वेरी गुड, आंसर भी दे दिया ईशान एंड मानसी ने. सो वॉट आर्टिकल टू यूज फॉर फी? वेरी गुड आर्या, एम्बरलिन, हिमानी, परम, निकांद्रो, स्वयं, आई वॉन्ट यू टू रीटाइप योर आंसर. निशिता करेक्ट, रमनदीप करेक्ट, स्वयं एक ही गर्ल है ना, एफ आई एल एल ई, कितनी गर्ल है? स्वयं एक ही गर्ल है, स्वयं को बहुत सारी लड़कियां चाहिए क्या? एक ही है ना गर्ल, सी एफ आई एल एल ई सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे स्वयं? बंसी वोवल्स आर क्लैशिंग, पी स्टार्ट्स विद एफ, एफ इज नॉट अ वोवल, ट्विशा करेक्ट, स्वयं का, वेरी गुड, स्वयं अंडरस्टूड, बंसी वेरी गुड, ओके ग्रेट. So you all corrected yourself. Now I am giving another word. This time look at the word and tell me the meaning. Very good Mansi. Rachi also has network problem today. मानसी करेक्ट, एम्बेलिन करेक्ट, रमनदीप करेक्ट, बंसी करेक्ट, विशा करेक्ट, निशिता, आर्या, आयुषी, आयुषी विमेन इज ऑलरेडी प्लूरल, वी डब्ल्यू ओ एम ई एन, सिंगुलर होता ना तो डब्ल्यू ओ एम ई एन लिखते हम, तो विमेन कभी नहीं होता है, इट्स ऑलवेज विमेन, एम ई एन इज ऑलरेडी इन द प्लूरल फॉर्म. अच्छा अभी मुझे बताओ क्लास आर्टिकल क्या यूज करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल. वेरी गुड एम्बेलिन, वेरी गुड आर्या, वेरी गुड मानसी, निकांद्रो, निशिता, फार्म, एफ ई एम एम ई से, एफ ई एम एम ई एस प्लूरल, तनिष्का अच्छे से देखो प्लूरल है, स्वयं करेक्ट, आयुषी प्लीज देखो इट इज प्लूरल, ओके एवरीबॉडी लुक एट द वर्ड, इट इज एफ ई एम एम ई एस, लास्ट में एस से मतलब प्लूरल है. So
So I want Ramandeep to change the answer, Ayushi to change the answer, Bansi to change the answer, Tanishka to change the answer. अच्छे से देखो, word is ending s, मतलब क्या? It is plural. Very good. Bansi corrected herself, Tanishka corrected herself. Ramandeep plural. Plural के लिए कौन सा definite article use करने का? अच्छे से देखो box में. Check in the blue box. Himani correct. Very good. वेरी गुड रमनदीप करेक्टेड. नाउ आयुषी आई वॉन्ट यू टू करेक्ट योर सेल्फ. टेबल में देखो फेमिनिन प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं. फार्म इज विमेन. ओके, मतलब बहुत सारी विमेन. यस मानसी, आई वॉन्ट आयुषी टू करेक्ट एंड देन वील गो अहेड विद एक्सरसाइज. ऑल राइट, सो यस आयुषी करेक्टेड हर सेल्फ. वेरी गुड. नाउ नीचे प्लूरल ऑफ नाउन्स दिया है. Nouns can become plural by the addition of s, जैसे English में होता है boy, boys, girl, girls. तो क्या करते हैं हम plural बनाने के लिए? सिर्फ s लगाते हैं ना, simple s. Similarly examples में देखो इधर lekayer becomes lekayer, le becomes lekayer with s. But a livre becomes de livre, क्योंकि a का plural क्या है? Indefinite article des. Livre का plural क्या है? Livre with s. सिमिलरली ला रेगल का प्लूरल ले रेगल, बट यून फी का दे फी. गेटिंग मी? अभी मैं प्लूरल बोलू, ओके ला फी का प्लूरल बोलो मुझे. आई पुट इन द चैट, ला फी का प्लूरल क्या होगा? ला फी है ला. एम्बरलिन ला का भी प्लूरल लिखना है. हिमानी करेक्ट, परम करेक्ट, एम्बरलिन करेक्ट, स्वयं करेक्ट, मानसी करेक्ट, आयुषी करेक्ट, निशिता प्लूरल है ना. प्लूरल में एल अपोस्ट्रोफी नहीं, प्लूरल में डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करेंगे? चेक द ब्लू बॉक्स. निशा करेक्ट, बंसी करेक्ट, आर्या फी का भी प्लूरल, फी ऑल्सो शुड बी विथ एस. गर्ल गर्ल्स, फी फीस. निकांद्रो करेक्ट. एम्बरलिन आई वॉन्ट यू टू करेक्ट योर सेल्फ. वेरी गुड एम्बरलिन, फी को भी एस लगाने का ना भाई. गर्ल बिकम्स गर्ल्स, वैसे फी बिकम्स फीस. एफ आई एल एल ई एस. यस वेरी गुड. और किसका था करेक्शन करने का? निशिता, आई वॉन्ट यू टू करेक्ट योर सेल्फ. निशिता प्लीज करेक्ट योर सेल्फ. वेरी गुड निशिता, ओके. नाउ इफ आई से यून फी, इसका प्लूरल क्या करोगे? यून फी का बताओ मुझे चैट में. लेट मी सी किस किस को समझा. वेरी गुड परम, हिमानी, आर्या, निशिता, मानसी. मानसी फी को भी एस लगाने का, डोंट फॉरगेट. नहीं एम्बरलिन, अ का प्लूरल क्या है? इट्स इनडेफिनाइट आर्टिकल. अच्छे से देखो, एम्बरलिन विल चेंज द आंसर, बंसी करेक्ट, रमनदीप विल चेंज द आंसर. रमनदीप यून फी का प्लूरल करने का है, स्वयं करेक्ट. विशा, यून का प्लूरल क्या होता है? यस तनिष्का, मीनिंग नहीं, मेक इट प्लूरल. निकांद्रो करेक्ट, मानसी करेक्ट, आयुषी करेक्ट, स्वयं करेक्ट, एम्बरलिन करेक्ट, तनिष्का करेक्ट. वेरी गुड, आई थिंक एवरीवन हैज आंसर नाउ. इज एनीवन लेफ्ट आउट? अभी सबको सब समझा? ओके, कम टू पेज नंबर 18, 18. एक बार ब्लू बॉक्स अच्छे से देख लो चाहिए तो. एल ई ल फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, एल ए ला फॉर फेमिनिन सिंगुलर. वॉवल स्लैश हुआ तो एल ई एल ए दोनों विल चेंज टू एल अपोस्ट्रोफ. सबका प्लूरल एल ई एस. लला एल अपोस्ट्रोफ एल ई एस का मीनिंग द. ये सबको क्या बोलते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल्स. क्लियर कर लो, समझा, समझाव्यू कंप्री? यस ओके. सो पेज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 1. पेज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 1. ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 માં શું કરવાનું? એન્ડ આઇડેન્ટિફાઈ ધ ડેફિનાઇટ આર્ટિકલ. આઇડેન્ટિફાઈ કરને કા કિસકો? ડેફિનાઇટ આર્ટિકલ કો. ओके, सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. ओके, सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू अनम्यूट
Be ready to answer. I am unmuting. Amberleen. Amberleen, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, Amberleen, first sentence में कितना definite article है? Plural, so LES. नहीं नहीं, in the first sentence, how many definite articles do you see? Are you on page 18? Yes. Okay. Are you reading the first sentence? Yes. Lashia, a Lashia saw Dollar Park. Do you read that sentence? Yes. ओके अभी उसमें डेफिनाइट आर्टिकल्स कितना दिख रहा है थ्री थ्री कैन यू टेल मी व्हिच आर दोस थ्री डेफिनाइट आर्टिकल्स फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन द सेकंड वन इज मैस्कुलिन एंड द थर्ड वन इज मैस्कुलिन अच्छा फर्स्ट वाला किधर है किसके पहले लिखा है शा वेरी गुड सेकंड वाला किसके पहले शिया एंड थर्ड वाला पार वेरी गुड So the cat and the dog are in the park. मतलब यहाँ पे भी we have some information. Let's say it is Nishita's dog, Nishita's cat and they are in Nishita's park. So we know किसका dog है, किसकी cat है, कौन से park में है. यहाँ पे कुछ ना कुछ information हमारे पास है. That is why it is Lasha, a Lashia saw Dollar Park. Lasha वाला L, Lashia वाला L and L park वाला L. ये तीनों भी ल है डेफिनाइट आर्टिकल्स अंडरलाइन करो या सर्कल करो ओके नाउ आई अनम्यूट हर्ष हर्ष है इधर हर्ष क्लिक ऑन अनम्यूट ओके बंसी क्लिक ऑन अनम्यूट यस मैम ओके बंसी सेंटेंस नंबर टू लोफो एसा मै सॉ दौलमा गजा ये वाले सेंटेंस में कितने डेफिनेट आर्टिकल्स है रिपीट बंसी मैम आई कांट हियर यू योर वॉइस इज क्रैकिंग Yeah, even yours, Bansi. So you can let me know in the chat. Yes, ma'am. Okay, Bansi will answer me in the chat. Yes, Bansi, let me know. I'm waiting for you to type. वेरी गुड बंसी से एक तो एल अपोस्ट्रॉफ है एंड दूसरा ल है ऑफो के पहले वाला एल अपोस्ट्रॉफ मगाजा के पहले वाला ल वेरी गुड बंसी देयर आर टू डेफिनेट आर्टिकल्स बंसी एब्सोल्युटली करेक्ट बाकी सबको मिला दो एल अपोस्ट्रॉफ ऑफो के पहले वाला एंड मगाजा के पहले वाला ल तो सेंटेंस मीन्स द चाइल्ड एंड हिज मदर आर इन द शॉप द चाइल्ड राइट डाउन विद पेंसिल इफ यू वांट द मीनिंग The child and his mother are in the shop. The child and his mother are in the shop. The child and his mother are in the shop. Can you hear me now, Ayushi? The child and his mother are in the shop. Now from third sentence onwards, I want all of you to type. कैसे type करोगे? Write all the answers. Put write first definite article comma, second definite article comma, third definite article comma, and then press enter. Okay, then send it. So sentence number three. Type all the definite articles that you see. Very good, Nikandro. Very good, Ayushi. Very good, Swayam. Very good, Tanishka. Perfect answer so far. Himani ne type kiya. Arya, we are doing third sentence. There is one more. Nope, do not type one one essay. Huh? What you do is type all definite articles. Pehla definite article, comma, second definite article. You don't need to mention one, two, three essay. Just type. Okay, third wala I am putting in the chat. Dekho how to put.
थर्ड वाला सेंटेंस का आंसर मैंने डाला है इसमें. दिस इज हाउ यू विल आंसर. ल लिवर के पहले वाला, ले सीलो के पहले वाला, अगेन साक के पहले वाला लो. सो डेफिनेट आर्टिकल्स आर ल ले एंड लो. सर्कल इट. द बुक एंड द पेन्स आर इन द बैग. द बुक एंड द पेन्स आर इन द बैग. द बुक एंड द पेन्स आर इन द बैग. वेरी गुड. फोर्थ का आंसर रमनदीप हैज ऑलरेडी गिवन, हिमानी हैज गिवन, एम्बरलिन हैज गिवन, स्वयं, निकांद्रो, आयुषी, निशिता, आर्या, तनिष्का, बंसी, ट्विशा, परम, ऑल करेक्ट. ओके, सेंटेंस नंबर 5. वेरी गुड मानसी, वेरी वेरी गुड. सो सेंटेंस नंबर 5 के लिए हिमानी, आयुषी, निकांद्रो, आर्या, एम्बरलिन, परम, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, निशिता करेक्ट. हिमानी मैंने अभी भी बताया ना, yours is also correct. Where is it? Yes, हिमानी करेक्ट, ट्विशा करेक्ट, सिद्धाली करेक्ट, मानसी करेक्ट, बंसी करेक्ट, ट्विशा, ट्विशा, तनिष्का करेक्ट. Yes, मानसी it is correct. And रमनदीप it is correct. Very good. सबको समझा definite articles. Now in the second one, fill in the blanks with the appropriate definite articles as shown in the example. फर्स्ट वन ले सीलो लिखा है, ले एग्जाम्पल देखो, क्योंकि 1 2 3 4 पेन्स है, बिकॉज देयर आर 4 पेन्स, हम लोग ने डेफिनेट आर्टिकल एलियस लिखा. नाउ सेकेंड वन, आई एम हेल्पिंग यू विद द साक वन. ओके, साक में क्या है, ब्रैकेट में एम दिया है, सो अवर टास्क इज इजी. क्लास रिमेंबर दिस टाइम टू टाइप द वर्ड ऑल्सो. हाँ हाँ, विल यू टाइप, सी ऐसे टाइप करोगे, सो आई विल नो आप आंसर कौन से वर्ड के लिए दे रहे हो. ओके, नाउ ले साक क्यों है, साक मैस्कुलिन है करेक्ट, बट साक प्लूरल भी है ना, एस भी है उधर, सो इसलिए हमने एलियस लिखा. क्लियर. नाउ आई वांट यू टू टाइप ऑफों के लिए क्या लिखोगे. ऑफों, साक इज बैग्स, फॉर दोज हु वांट टू राइट डाउन, साक इज बैग्स. आर्या करेक्ट, ऑफों वाला आंसर करेक्ट है. एम्बरलिन ऑफों करेक्ट है. आयुषी करेक्ट. हिमानी करेक्ट. परम वॉवल स्लैश हो रहा है, अच्छे से देखो, चेंज योर आंसर. निकांद्रो करेक्ट. बंसी करेक्ट. स्वयं, राइट द वर्ड ऑल्सो. आपका किसके लिए आंसर है, हाउ विल आई नो, राइट द वर्ड अलॉन्ग विद द डेफिनेट आर्टिकल. निशिता करेक्ट. मानसी वॉवल स्लैश हो रहा है. रमनदीप वॉवल स्लैश हो रहा है, चेंज योर आंसर. आयुषी डू नॉट गो अहेड, प्लीज डू नॉट गो अहेड ऑल ऑफ यू, सिर्फ ऑफों के लिए आंसर करो अभी. परम करेक्ट. स्वयं ऑफ ऑन करेक्ट. विशा ऑफ ऑन करेक्ट. एंड मानसी ऑफ ऑन करेक्ट. तनिष्का ऑफ ऑन करेक्ट. वेरी गुड. नाउ ए कॉल. परम करेक्ट फॉर ए कॉल. यस, यू कैन टाइप एंड कीप सो दैट यू कैन इमीडिएटली एंटर देन. निशिता करेक्ट फॉर ए कॉल. एम्बेलिन, आई एम करेक्टिंग ए कॉल नाउ. ओके, सो आई विल टेल यू हु ऑल आर करेक्ट फॉर ए कॉल. परम करेक्ट. निशिता, एम्बरलिन, निकांद्रो, बंसी करेक्ट, रमनदीप करेक्ट, मानसी करेक्ट, स्वयं करेक्ट, सिद्धाली करेक्ट. सिद्धाली वॉवल स्लैश हो रहा है, सिद्धाली चेंज योर आंसर. तनिष्का करेक्ट. ओके सिद्धाली, आई वांट यू टू चेंज योर आंसर. एंड एक ऑल इज फेमिनिन, तो होना चाहिए था ला, बट बिकॉज दी वॉवल्स आर क्लैशिंग, ला इज चेंजिंग टू एल अपोस्ट्रोफ. ओके, क्लियर एवरीवन. हम लोग ने ला के जगह पे एल अपोस्ट्रोफ क्यों लिखा, द वॉवल्स आर क्लैशिंग, द ए इज क्लैशिंग विद द ई. ओके, नाउ व्हाट यूर एवरीवन. वेरी गुड एम्बरलिन, परम, हिमानी, आयुषी, निशिता, निकांद्रो करेक्ट. स्वयं, आई वांट यू टू चेंज योर आंसर. वहां पे देखो ब्रैकेट में दिया है जेंडर. तनिष्का करेक्ट. मानसी करेक्ट. बंसी करेक्ट. सिद्धाली ब्रैकेट में दिया है ना जेंडर, उधर एफ दिया है. एफ मतलब क्या आता है फेमिनिन के लिए, डेफिनेट आर्टिकल इज ला, एल ए. यस स्वयं, वेरी गुड सिद्धाली. ओके, नाउ पॉर्ट. पॉर्ट के लिए क्या लिखेंगे, पी ओ आर टी ई. वेरी गुड आर्या, परम, निशिता, निकांद्रो, तनिष्का, एम्बरलिन, हिमानी, बंसी, सिद्धाली, मानसी, ट्विशा, आयुषी, ऑल करेक्ट. वेरी गुड, अभी सबको आ गया. स्वयं, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, एक्सीलेंट. रमनदीप, ओके. अभी 20 सेकंड लेट,
very good Amberleen, Ayushi, Nishita, Arya, Param, Himani, Mansi, Tanishka, Swayam, all correct. Bansi correct, Visha correct, Nikandro correct, Pramandeep correct, Himani correct. Himani bhi secklet kar rahe hum abhi, don't go ahead. Okay, now you can type Kaiyer. So for Kaiyer, Mansi, okay. Upar bhi bahut answers hai. Himani correct, Arya correct, Swayam correct, Param, Amberleen, Tanishka, Mansi, Ramandeep, Nishita, Ayushi, Nikandro, Bansi, Twisha, all correct. Kya baat hai? Excellent. Vazo, Abhi Vazo. Amberleen correct, Himani correct, Arya correct, Param, Ayushi, Swayam, Tanishka, Nikandro, Nishita, Mansi, Ramandeep, Pansi, Twisha correct. Twisha vowels clash ho raha hai. Mansi, Ramandeep vowels clash ho raha hai. So the three of you change the answer. Twisha, Ramandeep and Mansi. Vowels clash hai na, acche se dekho. नो प्रमनदीप वोवल क्लैश है तो एली में वोवल क्लैश होता है तो क्या करने का यस बांसी करेक्ट रमनदीप यू आल्सो करेक्ट योरसेल्फ यस ट्विशा करेक्ट वेरी गुड रमनदीप ओके सो रमनदीप ने करेक्ट कर लिया ट्विशा हैज करेक्टेड ओके ग्रेट क्रेयों क्रेयों एवरीवन हिमानी करेक्ट स्वयं करेक्ट परम करेक्ट आर्या करेक्ट तनिष्का आयुषी निकांद्रो मानसी एम्बरली निशिता बंसी ऑल करेक्ट वेरी गुड रमनदीप अच्छे से देखो क्रेयों कितने हैं 1 2 3 4 मतलब क्रेयों विद एस है देर आर फोर पेंसिल्स तर पेंसिल्स प्लूरल है प्लूरल हो तो शू करवानू What is the definite article? Very good. L-E-S. Last one, livre. Achche se dekho, there are how many books? Very good, Arya, Param, Amberleen, Nikandro, Himani, Nishita, Mansi. All of you have typed your answers correctly. Excellent. Sabka correct hai abhi. Okay. Now, go through second exercise. Is there any word jiska meaning aapko nahi malum hai? If there is any word जिसका meaning आपको नहीं मालूम, please feel free to ask. No doubt. Okay, let's go ahead. Question number 3. Okay, अभी question number 3 में I will tell you how to type the answer. First वाला मैं type करती हूँ. Himani is asked what is ECOL. ECOL is school. Okay, Himani, ECOL मतलब school. ECOL is school and see enfant is not doll enfant matlab child enfant child okay now Nishita has a good question if the vowels are clashing and we have to make it plural then how to write so yahan pe dekho ye hai singular lami vowels clash ho raha hai अभी मैंने इसको प्लूरल किया एल अपोस्ट्रोफ को एलियस किया आमी विद एस लिखा हिमानी क्लियर तो प्लूरल में वोवेल क्लैश का झंझट ही नहीं है क्योंकि एल ई विल बिकम एल अपोस्ट्रोफ एल ई एल ए विल बिकम एल ई एस तो एस इज नॉट एंडिंग विद द वोवेल तो उसके बाजू वाले वर्ड से क्लैश ही नहीं होगा फिर सिंपल है ना सो बंसी ऑफों इज नॉट डॉला ऑफों इज चाइल्ड And Himani, ECOL is school. ECOL matlab school. And OFO matlab child. Clear? Okay. Now exercise number 3. Shall we go ahead? Exercise number 3 mein definite indefinite articles mix hai. So be very careful. Abhi kya karenge? You will identify the definite and indefinite articles. So, aise likhenge. Okay.
तो मैंने क्या किया इधर फर्स्ट वाले के लिए डीएस लिखा हाइफन आई लिखा आई आई क्योंकि इनडेफिनाइट आर्टिकल है. सो फर्स्ट वाले सेंटेंस में डीएस इज द इनडेफिनाइट आर्टिकल. सेकेंड वाला सेंटेंस में क्या करोगे तुम लोग? लेट मी सी हाउ यू आंसर. आइडेंटिफाई द आर्टिकल एंड देन नेम द आर्टिकल. वेरी गुड. तो क्या करो ना, सब आर्टिकल्स एक साथ नेम करो एंड देन एंटर मारो देन सेंड करो. सो ऐसा टाइप करो. ओके, अ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ला डेफिनाइट आर्टिकल. So this way the entire answer will come in one sentence. See how I've typed the answer. A indefinite article, la definite article. That was the second one. Now I want you to type the third one in the chat. Very good. Swayam has typed. Swayam, third वाले में. okay, okay, correct. Third वाले में you have missed, there is a definite article also. अच्छे से देखो. okay, third वाले answer में I will tell you how you will go about it because there are so many. So first one, il ya de kayer, de indefinite article. Circle करो. de kayer, kayer के पहले वाला de indefinite article. de stilo, de. अगेन इनडेफिनाइट आर्टिकल. सीलो के पहले वाला दे. यून गॉम, यून गॉम के पहले वाला यून इनडेफिनाइट आर्टिकल. दो ल साक, ल ल डेफिनाइट. सो वी हैव डीएस टू टाइम्स विच आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. यू हैव यूएनई विच इज इनडेफिनाइट आर्टिकल एंड यू हैव एलई विच इज डेफिनाइट आर्टिकल. क्लियर? सेंटेंस नंबर थ्री कर लो. सबको समझा? अंडरस्टूड? समझाए व्यू सेंटेंस नंबर थ्री? क्लियर? सेंटेंस नंबर थ्री सबको क्लियर था? यस. नाउ सेंटेंस नंबर फोर. सेंटेंस नंबर फोर, वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट. आर्या, यू एन डेफिनाइट नहीं. आर्या बहन, यू एन क्या है? इनडेफिनाइट. डेफिनाइट ना एल वाला है सब. ल ला एल अपोस्ट्रोफ एल ई एस. Mansi, say is not article, okay? Say matlab this is and sir sir matlab these are. So wo to article hi nahi hai. est etra ka conjugation hai. Yaad aaya Mansi? Sentence number 4 mein un indefinite article sirf ek hi hai. And sentence number 5 mein kya check karo? Very good Amberly, okay, all of you are correct so far. Mansi, DES definite नहीं. Mansi, DES indefinite है. ओके, तो क्लास रिमेम्बर, अ यून दे जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल है. ल ला एल अपोस्ट्रोफ एल ई एस जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल है. ओके, एक्सरसाइज नंबर थ्री क्लियर टू ऑल? इज एक्सरसाइज नंबर थ्री क्लियर? एनी डाउट एनी वन? शक, कोई शक किसी को किसी पे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 4A. 4A, हाँ 4A. ओम के पहले क्या लिखोगे? राइट द आर्टिकल एंड द वर्ड ऑल्सो. आर्टिकल प्लस द वर्ड. वेरी गुड आयुषी. निशिता, वर्ड भी लिखो सो आई नो व्हाट आंसर यू आर गिविंग द आंसर फॉर विच वर्ड. एम्बरलीन, ओम इज मैस्कुलिन एंड इट स्टार्ट्स विद अ वोवल. एच इज अ वोवल इन फ्रेंच, अगर तुमको याद होगा. हिमानी, ओम इज मैन. मैन फेमिनिन है क्या? हिमानी, पकड़ के मारेगा कोई भी मैन तुमको ऐसे बोला तो. मानसी, मैन इज अ वोवल आल्सो. इट स्टार्ट्स विद एच. एच वोवल है फ्रेंच में. सर, एली विल चेंज टू व्हाट? ओके, सो आई विल टेल यू ऑल आर राइट. निशिता इज राइट, आयुषी इज राइट, आर्या इज राइट, एम्बरलीन विल चेंज द आंसर, परम राइट, निकांद्रो राइट, स्वयं राइट, हिमानी विल चेंज द आंसर. निकांद्रो एंड हिमानी विल चेंज द आंसर. निकांद्रो नहीं, सॉरी, Amberlin and Himani will change the answer. Amberlin, Himani change. Mansi change. जिसको चेंज करना है वो ही बोलती हूँ मैं, बाकी सब करेक्ट है.
ओके, एम्बरली ने चेंज कर लिया, मानसी ने चेंज कर लिया, वेरी गुड, ग्रेट, सब लोग ने चेंज कर लिया जिसको बोला मैंने. नाउ द नेक्स्ट वन, एथ्यूडियन के लिए क्या लिखोगे? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट सो फार. अभी जिसका, ओके, वेरी गुड, सबका राइट है अभी तक. मानसी, एथ्यूडियन वॉवल से स्टार्ट होता है ना, अच्छे से देखो, स्टार्ट विथ ई, ई इज अ वॉवल इवन इन इंग्लिश. यस बंसी, करेक्ट बंसी, वर्ड भी टाइप करो, मेरे को कैसा पता चलेगा कौन से वर्ड के लिए आंसर दे रहे हो. हिमानी, करेक्ट. ओके नेक्स्ट वन, ए एम आई एस, आमी, ए एम आई एस, क्विशा, करेक्ट, वेरी गुड. अभी वी आर डूइंग द थर्ड वर्ड, आमी, ए एम आई एस, अच्छे से देखो, ए एम आई एस, एस है, वेरी गुड. परम प्लूरल है, परम, सिली मिस्टेक, लास्ट में एस है ना, सो फार ओनली परम हैज टू चेंज, रेस्ट ऑल करेक्ट, परम हैज ऑलरेडी चेंज हिज आंसर, वेरी गुड. ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज साल द क्लास. अभी साल द क्लास का नंबर एंड जेंडर अगर तुमको याद होगा ना, चैप्टर वन का हेडिंग है, देखो चैप्टर वन में क्या लिखा है, साल द क्लास, दो ला साल द क्लास, ला, ओके, चैप्टर वन का नाम था वो, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, इट इज ला साल द क्लास, एल ए. सो यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट सो फार. एंड देन गार्सों, ये तो हमने एग्जाम्पल में भी किया, ये तो सबको आता है, इसमें तो सब चैंपियंस है, वेरी वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट सो फार. एक्सीलेंट, सबका राइट है. ओके नाउ वी आर डूइंग 4B, लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे, हर्ष जल्दी जल्दी होने आया है. या मानसी, साल द क्लास, अगर आप देखोगे ना बच्चा, चैप्टर वन का नाम देखो, नेम ऑफ चैप्टर वन, इट इज लास्ट साल द क्लास. साल द क्लास म्हणजे क्लासरूम, लास्ट साल द क्लास, क्योंकि साल इज फेमिनिन. ओके मानसी, एम आई क्लियर नाउ? ओके नाउ कंप्लीट द ब्लैंक्स विथ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, 4B, फिल इन द ब्लैंक विथ इनडेफिनाइट. इनडेफिनाइट म्हणजे अयुंदे, तो फोर्थ के लिए क्या लिखोगे, लेट मी सी. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट सो फार. मानसी, फोर्थ इज फेमिनिन, अगर मैंने आपको जेंडर बताया, अभी आंसर चेंज करो. स्वयं, फोर्थ इज फेमिनिन, स्वयं एंड मानसी टू चेंज द आंसर, वेरी गुड. Mansi has already changed, Swayam has also changed. Rest all are correct. Bansi, please type the word also. Aap answer correct de rahe ho, but I will not know answer aap kaun se word ke liye de rahe ho if you don't type the whole thing. Next one, SACS, S-A-C-S, S-A-C-S. Be very, very careful. S hai last mein, S-A-C-S. हिमानी, करेक्ट. मानसी, एस एस सी एस प्लूरल ना, प्लूरल के लिए क्या यूज लिखते हैं? एवरीबडी इज करेक्ट. मानसी हैज टू करेक्ट हर सेल्फ, रेस्ट ऑफ यू आर करेक्ट. ओके मानसी करेक्टेड हर सेल्फ ऑलरेडी, वेरी गुड मानसी. आर्या, डू नॉट गो अहेड, बी विद अस प्लीज. ओके, स्टीलो विद एस है आर्या, सो यू ऑल्सो हैव टू चेंज द आंसर. नेक्स्ट वन, स्टीलो विथ एस है, बी वेरी केयरफुल, एंड में देखो प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है. सो मानसी इज करेक्ट, आर्या हैज टू चेंज, एवरीवन सो फार इज करेक्ट, जिसको चेंज करना होगा आई विल टेल यू. या एवरीवन इज करेक्ट, आई वांट आर्या टू चेंज हर आंसर, वेरी गुड, आर्या ऑलरेडी चेंज हर आंसर, वेरी गुड. ओके काइयर, काइयर, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट सो फार. मैस्किलिन है, मैस्किलिन, तर काय लिहायचं, मैस्किलिन है कायर. सो आई वॉन्ट ट्विशा टू चेंज द आंसर, हैज शी चेंज द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर हर टू टाइप, येस ट्विशा हैज चेंज द आंसर. अभी लास्ट एकॉल, ये फाइनली, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, एवरीबडी इज करेक्ट, इट्स यू एन एकॉल, यू एनी.
यूनिकॉल. क्यों यूनिकॉल? बिकॉज इट इज फेमिनिन. अच्छा क्लास अभी इधर देखो अच्छे से, हाँ वॉवल्स क्लैश हो रहा है तो कुछ करोगे क्या? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? नो वी कैन नॉट डू, वी हैव टू लेट द वॉवल्स क्लैश, क्योंकि अपने पास तीन ही वर्ड्स है अ यून दे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं कर सकते. ओके सो व्हेन द वॉवल्स क्लैश हियर इन द इंडेफिनाइट आर्टिकल्स वी हैव टू लेट देम क्लैश. यूनिकॉल में जैसे क्लैश हो रहा है होने दो. ओके एनी डाउट एनी वन? सबको डेफिनाइट इनडेफिनाइट समझा? एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 हमने किया, सबको सब समझा? फिर डायरेक्शंस किया हमने. एनी डाउट एनी वन? नो डाउट. ओके वेरी गुड देन, वील एंड द लेक्चर हियर. हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ओवर, आदियोस, शाओ.